21 अगस्त 1986। उस दिन इस झील से एक ऐसा बादल निकलता है जो इतना खतरनाक है, इतना चुपचाप है कि वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में हंसते खेलते पूरे गांव को सुनसान बना देता है। जबकि वो बादल ना तो कोई बारिश करता है और ना ही ओले बरसाता है, फिर भी गांव में रहने वाले सभी लोग, वहां के पशु पक्षी कुछ ही मिनटों में इन सभी का जीवन समाप्त हो जाता है, जिसकी ना ही कोई आवाज थी और ना ही चेतावनी थी। देखने में तो ये किसी हॉन्टेड मूवी का सीन लग रहा था, पर ये किसी हॉन्टेड मूवी का सीन नहीं था, ये एक डरावनी सच्चाई थी। और ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि इस एरिया के आसपास दूसरे गांव में भी देखने को मिली थी। जब इस बात की खबर पूरी दुनिया में फैली तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि किसी भी इंसान या जानवर की बॉडी पर किसी भी तरह के चोट या खरोंच के निशान नहीं थे, बस किसी किसी की बॉडी पर ये लाल निशान देखने को मिले। लेकिन उस रात वहाँ हुआ क्या था? क्या ये कोई वायरस था जिसकी वजह से हजारों इंसान और जानवरों की जान एक ही रात में चली गई? इसका आंसर है नहीं, इसके पीछे कोई वायरस नहीं था, ये सब एक बादल की वजह से हुआ था जो इस झील से निकला था। अफ्रीका के कैमरून देश के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में लोकेटेड नियोस लेक एक प्रसिद्ध झील है। ये एक वोल्केनिक क्रेटर लेक है, यानी एक ऐसी झील जो एक प्राचीन वोल्केनो के माउथ में बनी हुई है। ऊपर से देखने में तो एक शांत लेक ही है जिसमें मरीन लाइफ भी है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड ही है। गांव के सभी लोग इसी झील का पानी पीते हैं, खाने के लिए मछलियां पकड़ते हैं और अपने बाकी सभी जरूरी काम करते हैं। इसे एक सामान्य लेक तो नहीं कह सकते क्योंकि इस झील के नीचे दरारों से CO2 गैस निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ एक भयानक ट्रेजेडी हो गई। अगर बात करें उस दिन की तो उस दिन कोई खास चीज नहीं थी, वह रोज की तरह ही सामान्य सा दिन था। सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और गायें व पशु घास चर रहे थे। उसी दिन रात के करीब 9 बजे जब सभी लोग खाना खाकर सो गए थे, तभी उस रात अचानक एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसी समय इस लेक से एक ऐसा बादल निकल जाता है जो कि इन सभी की मौत का कारण बनता है। वो बादल CO2 गैस का बना हुआ था। अनुमान लगाया जाता है कि उसका साइज एक फुटबॉल फील्ड के बराबर था। अब क्योंकि CO2 गैस काफी डेंस होती है, इसलिए गैस एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने की बजाय हवा के साथ मिलकर तेजी से आसपास के एरिया में नीचे ही फैल जाती है। यह बादल 25 किलोमीटर 50 माइल्स तक के एरिया में फैल गया था, जिससे आसपास के 3 गांव अफेक्टेड हो गए थे, नियोस, कैम और सबम, जो कि एक रिमोट एरिया था। घटना के समय लोग आमतौर पर सो रहे थे और कुछ लोग अपना काम कर रहे थे। ये इंसिडेंट पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें मरने वाले सभी इंसानों की संख्या 1700 प्लस थी और जानवरों की संख्या 3500 प्लस थी। इसका कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, पर यह माना जाता है कि इससे ज्यादा लोगों की जान गई थी। बस कुछ लोग ही बच पाए थे, जिसमें से एक अफ्रेमची था। ये लेक न्यूज आपदा में बचे हुए कुछ लोगों में से एक था और इसकी कहानी इस भयानक घटना के डर और खौफ को साफ तौर पर दर्शाती है। अफ्रेमची एक कैमरूनियन किसान था जो लेक न्यूज के पास ही के एक गाँव में परिवार के साथ रहता था। अफ्रेमची और उनका परिवार उस रात अपने घर में सो रहे थे जब उन्होंने एक अजीब सी दुर्गंध महसूस की। उन्होंने बताया कि वह दुर्गंध सड़े हुए अंडे जैसी थी। अचानक पूरे गांव के लोगों के साथ उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उनका दम घुटने लगा क्योंकि ऑक्सीजन की जगह चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड थी। धीरे धीरे उनके परिवार के सदस्य बेहोश होने लगे। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, अगर आपके आसपास 4-7% कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपको चक्कर, धुंधलापन और घबराहट जैसी समस्या हो सकती है, और अगर 8% से ज्यादा है तो व्यक्ति तुरंत बेहोश हो सकता है और अगर उसे टाइम पर बचाया ना जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अफ्रेमची और उसके पिता को जब घर में घुटन महसूस हुई तो उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर तो CO2 गैस से बना धुंध का बादल था, जिसके कारण उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। ऑक्सीजन की कमी से फिर उन्हें घुटन महसूस होने लग जाती है, जिससे वे बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है, वो सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ आया कैसे, वो तो घर के अंदर सो रहा था। वो अपने बगल में देखता है कि उसके पिता वहीं पड़े हैं। वो उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठते। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो सांस नहीं ले रहे। इस बात से वो बहुत दुखी होता है। वो बहुत ही कमजोर फील कर रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। वो उठने की बहुत कोशिश करता है, पर वो खड़ा भी नहीं हो पाता। उस समय उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कुछ मिनट बाद जब वो अपने घर के अंदर जाकर देखता है, वो देखता है कि सब सो रहे हैं,
लेकिन कोई भी सांस नहीं ले रहा। फिर वो गांव में आगे बढ़ता है और हर घर में जाकर देखता है कि शायद कोई तो जिंदा इंसान दिख जाए, लेकिन उसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि लोग घर के बाहर सड़क पर हर जगह लोग बिना कपड़े के इधर उधर ऐसे पड़े थे जैसे कि वे सो रहे हों, पर वे हमेशा के लिए सो गए थे। अधिकतर इंसान बिना कपड़े के वहाँ पड़े थे, ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? आखिर उनके कपड़े उतारे किसने? दरअसल जब रात को गैस यहाँ फैली तो किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। जब गैस ने उनके शरीर को प्रभावित किया तो उन्हें अचानक गर्मी या जलन महसूस हुई होगी। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने कपड़े उतारे और उनके कपड़े जस्ट उनके बगल में ही पड़े हुए थे और सांस न लेने के कारण उनकी जान चली गई। वो थोड़ी और आगे जाता है और देखता है कि इतने सारे जानवर, गाय, कुत्ते और बाकी सब अचानक मरे हुए पड़े हैं। पूरा गांव एक हॉन्टेड विलेज जैसा लग रहा है। जब वो थोड़ी आगे जाता है तब उसे एक घर में से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है। दूसरे आदमी का नाम जोसेफ मबेन था। ये भी उन्हीं लोगों में से एक था जो कि रात की दुर्घटना के बाद जिंदा बच गया था। वो बताता है कि रात को उसने बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी। जब वो घर से बाहर निकला तो देखता है कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। इतने में ही उसे भी धीरे धीरे घुटन महसूस होने लगी। फिर वो देखता है कि उसकी बेटी अजीब तरह से जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। जब वो अपनी बेटी के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया था। सुबह जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के बाहर अफ्रेमची को देखता है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर जोसेफ मबेन मदद के लिए अपनी मोटरसाइकिल से दूसरे गांव में जाता है। वहां उसे जीवित लोग दिखते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुशी होता है और वो उन लोगों को बताता है कि मेरे गांव के सभी लोग रातों रात बिना मौत मारे गए। लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वे ये सोचते हैं कि लगता है ये इंसान पागल हो चुका है। एक दिन गुजर जाने के बाद जब वे लोग उस गांव में जाते हैं तो वहां की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही उन्हें बहुत गंदी बदबू आ रही थी जो कि वहां पर पड़ी लाशों की थी। कुछ दिन बाद वहां पुलिस आती है और पास के दूसरे गांव में भी जाकर देखती है। वहां पर भी ऐसा ही माहौल था। घटना के कुछ दिन बाद यानी 2 से 3 दिन बाद साइंटिस्टों की टीम वहां पर पहुंची। इसके साथ कैमरून गवर्नमेंट, US जियोलॉजिकल सर्वे, USGS और अन्य देशों के विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने तुरंत एरिया में जांच की। उनका प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना था कि मौत का असली कारण क्या था। साइंटिस्टों ने यहाँ रिसर्च करी और उन्हें पता लगा कि इस लेक के नीचे वोल्केनिक प्रोसेस हो रहे हैं। इसके नीचे लावा है जो कि CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हर जलने वाली चीज CO2 गैस को उत्पन्न करती है। ये गैस समय के साथ साथ इस लेक में जमा होती रही। ना तो नीचे का पानी कभी ऊपर आता था और ना ही ऊपर का पानी नीचे आ पाता था, जिससे CO2 गैस को निकलने की जगह नहीं मिली और वो कई सालों में पानी के नीचे बहुत मात्रा में इकट्ठी हो गई और उसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि जमीन में हल्की सी हलचल से उस दिन ये गैस अचानक ऊपर आ गई, जिसने निचले इलाके में रह रहे लोगों और जानवरों की जान ले ली। फ्यूचर में ऐसा ना हो इसलिए साइंटिस्ट ने बाद में झील में डीगैसिव सिस्टम स्थापित किए, लेक में पाइप लगा दिए ताकि नीचे मौजूद CO2 गैस को ऊपर आने में मदद मिले। वैज्ञानिकों को जब पता चला कि यहाँ क्या हुआ है तो उन्हें याद आया कि सेम ऐसी ही घटना 2 साल पहले भी हुई थी, पर वो इतने बड़े स्केल पर नहीं हुई थी। उसमें टोटल 37 लोग मारे गए थे और ऐसा लेक मोनोस की वजह से हुआ था। उसमें भी यही CO2 गैस का बादल वहां निकला था। पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने ऐसी 3 लेक डिस्कवर की है, लेक न्योस, लेक मोनोस और लेक कीवो। ऐसी झीलों की टोटल संख्या का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि पूरी दुनिया में सैकड़ों ज्वालामुखी झीलें हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही झीलें हैं जिनमें CO2 गैस विस्फोट का खतरा है। मेनली ये झीलें अफ्रीका के वोल्केनिक एरिया में पाई जाती हैं, विशेषकर कैमरून और रवांडा जैसे देशों में। बाकी एरिया में भी ऐसे लेक हो सकते हैं, लेकिन उनमें CO2 गैस के जमा होने का खतरा इतना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।